एंड टुडे वी आर एट प्लेस जहां आपको कुरजा जो है बहुत भारी मात्रा में मिलती है। इस समय मेरे साथ में हैं मिस्टर मनीष मेहता, डॉक्टर प्रशांत गोयल, प्रतीक, जिनकी फोटोग्राफी आपने देखी है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा मनीष जी, कैसे लग रहा है ये खूबसूरत मॉर्निंग आपको? दिस इज़ अमेजिंग मॉर्निंग, मतलब जो सुनते थे उससे ज़्यादा सुंदर है और दिस इज सुपरली अनबिलीवेबल, अमेजिंग। और डॉक्टर साहब, आपको तो बड़ी फोटोग्राफी का शौक़ भी है और आज इतनी मात्रा में कुरजा, आज तो आपका एल्बम फुल होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, इतनी पास से देखने को मिल रही है कुरजा, इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है, इट्स रियली अ लवली संडे। थैंक यू सो मच, आपने हमारा संडे भी खास बनाया। प्रतीक, व्हाट यू प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग? नेचर क्लिक करने आए हैं तो एक मॉर्निंग लवली अलग ही लेवल की है और नेचर के साथ वैलेंटाइन मना रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। क्या बात है, फाइनली नेचर के साथ वैलेंटाइन है। आपको मैं थोड़ा सा उधर ले जाने का प्रयास करूँगा जिधर कुरजा है, क्योंकि ये पक्षी थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं ज़्यादा लोग वहाँ उनके पास में आते हैं तो इसलिए अब हम आपको यहाँ लेके आए हैं जहाँ ये कुरजा हैं। आप देख सकते हैं ये हैं वो सारी कुरजाएँ, आराम से अपना दाना चुग रही हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारा ये दृश्य है जो आप इस समय देख रहे हैं, इट्स समथिंग ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल आई कैन से, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में कुरजा मैंने यहाँ पर देखी है पहली बार। और यहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा ही दूरी पर यहाँ पर एक मंदिर भी है ये पीछे की ओर, जहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन भी करने आते हैं। तो ये है वो मॉर्निंग जो बहुत ही ख़ास है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे आसपास भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी टू एक्सप्लोर सम न्यू एरियाज़, न्यू प्लेसेस, जहाँ मैं आपको और नई नई जो जगहें हैं हमारे शहर के आसपास वो दिखा सकूं। तो आज मैं ये जाजीवाल के पास में ये एक मंदिर है जहाँ पर इतनी सारी कुरजाएँ नज़र आती है और बहुत सुंदर मॉर्निंग है संडे की। ये मॉर्निंग आप देख सकते हैं यहाँ पर अब लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका है और हर संडे यहाँ पर आपको काफ़ी लोग घूमते हुए भी नज़र आएंगे, क्योंकि जिन जिन को भी फोटोग्राफी या किसी और इस तरह की डेस्टिनेशन घूमने का शौक रहता है वो लोग हमेशा इस तरह के पॉइंट्स देखते हैं जहां वो नए नेचर को एक्सप्लोर कर सके। यहां पे काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? अवधि। व्हाट्स योर नेम? अवधि। अवधि, क्या करती हो आप? फिफ्थ। फिफ्थ में पढ़ती। कैसा लगा आपको ये जगह जहां आप आई हैं इन बर्ड्स को देखने के लिए? अच्छा लगा बहुत, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे और यहाँ पे बहुत सारे अलग रैबिट और डियर भी थे। ओके, बहुत अच्छा लगा। तो यू लव दिस संडे? यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो अवधि और अवधि का पूरा परिवार यहाँ जोधपुर से आया है यहाँ देखने के लिए और कई सारे लोग जो हैं अपनी फोटोग्राफी का जो आर्ट है उसे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस जगह के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कंवरा राम जी हैं। कंवरा राम जी, थोड़ा सा मुझे बताइए यहाँ के मंदिर के बारे में सबसे पहले। तो जी जी, हमारे गुरु महाराज की तपस्या स्थल है, उन्होंने तपस्या करी थी 30 साल तक। गुरु महाराज का नाम भी बताएं? स्वामी वागरदास जी आचार्य। एकदम पक्षियों की उड़ान भरते ही खुशी की लहर झूम जाती है। जी बताइए। इनको 3-4 क्विंटल पर डे के दाने डालते हैं जी, जब ये सवेरे 7 बजे आती है और 11 बजे चली जाती है। सब स्वामी वागरदास आचार्य गुरु जी की ही कृपा है सर। अंदर हिरण पाले हुए वो सब अनाथ है, बड़े होने के बाद वापस उनको छोड़ देते हैं। ओके, और ये एरिया का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है? जाजीवाल धोरा, जोधपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ओके, और कितनी कुरजा जनरली आती होगी यहाँ पे? यहाँ देखिए आप कितना सुंदर सा ये सुंदर सा माहौल है, हजारों की तादाद में आती है सर। और पर डे के 3-4 क्विंटल दाना डालते हैं, इसलिए सवेरे 7 बजे आती है और 11 बजे वापस चली जाती है। ओके, और इनके खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था रहती है? जवार, बाजरी, मक्की, सो भी दान दाता का आए हुए डालते हैं सभी। और हमारे गांव के लोग हैं सभी 5 किलो 10 किलो सो भी घर से आता है ना, ये डली पर नित्य प्रति होन होता है, वो सब अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लेके आते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा डॉक्टर प्रशांत गोयल साहब कैसे इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फोटोग्राफी के लिए थोड़ा सा नीचे आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि कुरजा बिल्कुल आपके पॉइंट्स के सामने हैं। और यहाँ देखिए प्रशांत जी और प्रतीक दोनों ही अपनी अपनी बेहतरीन पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, दोनों अपने अपने DSLR कैमरास का यूज़ करते हुए सुंदर से मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। वहाँ सामने आप देख सकते हैं कुरजा है
और इधर हमारे डॉक्टर साहब प्रशांत भैया फोटो क्लिक करते हुए ये सामने कुर्जा। सो प्रशांत भाई, हाउज द फीलिंग राइट नाउ? इट्स रियली अ लवली फीलिंग। संडे का इतना बढ़िया यूज़ किया है आज, मौसम इज़ लवली, इट्स नॉट टू कोल्ड एंड सो मेनी बर्ड्स सो नियर टू अस, पेट भर के फोटो खींचेंगे आज। तो मस्ती जारी है, फोटोग्राफी जारी है। स्टे ट्यून फॉर ऑल न्यू प्लेसेस इन जोधपुर टू एक्सप्लोर एंड एन्जॉय। चलो आज कुछ अच्छा देखते हैं।